वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। चंगेज खान कौन था? चंगेज खान नाम से मुस्लिम लगने वाला यह शासक वास्तव में मुस्लिम नहीं था। उसका असली नाम तिमुजिन था। वह एक मंगोल योद्धा था तथा मंगोल भाषा में तिमुजिन का अर्थ होता है लोह कर्मी। चंगेज खान नाम की एक उपाधि थी, इसलिए इस उपाधि का अर्थ था सागर का महान शासक। उसका जन्म मंगोलिया के ओनन नदी के किनारे 1162 ईस्वी में एक खानाबदोश कबीले में हुआ था। इसके दाईं अथेली पर एक जन्म से ही खून का धब्बा था। उसकी माता होयलन तथा पिता येसुजई थे। इसके पिता किरात कबीले के प्रमुख थे। मंगोलिया में कबीलों के बीच अक्सर युद्ध हुआ करते थे। चंगेज खान के पिता ने उनकी माता को एक दूसरे कबीले से भगाकर शादी की थी। कबीलों में दुश्मनी के कारण बचपन में ही उनके पिता की हत्या कर दी गई। उस वक्त उसके पिता पीछे होयलन और 7 बच्चे थे। पिता की मृत्यु के बाद लगातार एक के बाद एक विपत्तियों से निपटने के लिए उसने अनेक युद्ध किए। उसका विवाह कम उम्र में कर दिया गया था। उसकी पत्नी का नाम बोरेत था। विवाह के बाद बोरेत का अपहरण कर लिया गया था। पत्नी को छुड़ाने के लिए उसने लड़ाइयां भी लड़ी। जब वह मंगोल के कबीले का सरदार घोषित हुआ, तब चंगेज खान को कागान की उपाधि दी गई। उसकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।